वेलकम टू एक ग्रेट इंग्लिश चैनल, दिस साइड अमासा हियर। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 12 के इंग्लिश से जो रिलेट करता हुआ सिलेबस है वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सिलेबस आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर सिलेबस नहीं जाना और आपने पढ़ाई शुरू कर दी और फाइनल एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ से कितना मार्क्स क्या आना है, कैसे लिखना है। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन, जानते हैं कि आखिर क्या क्या हमें पढ़ना है। सो प्रोज पोएम, प्रोज जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था वो यहाँ नहीं रहना है, कुछ नया आना है और पोएम भी नया आएगा। प्ले जो है दैट इज़ न्यू टॉपिक इन क्लास 12। प्ले हमारा ड्रामा होता है, नॉवेल्स होता है, वो यहाँ एक रहेगा जो बहुत लेंदी होता है, तो उसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट इज़ अनसीन। अनसीन आपने क्लास 10 में कर रखा है, जो एक पैसेज दिया हुआ होता है उसको बेस करके कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उन सारे को सॉल्व आउट करना होता है। दैट इज़ अनसीन, जो हमको पता नहीं रहता है, वो हमको पहले से पढ़ा हुआ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ ग्रामर। क्लास 11 में आपने जितने सारे ग्रामर कर रखे हैं वो सारे इंक्लूडेड है क्लास 12 में, टेक्स्टुअल ग्रामर सारे के सारे। नेक्स्ट इज़ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आपने क्लास 11 में जो कुछ कर रखा है उसमें से कुछ भी नहीं आना है, न्यू राइटिंग स्किल्स यहाँ आएंगे और उन सारे को एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रोज में आखिर क्या कॉन्टेंट है, पोएम का क्या कॉन्टेंट है, प्ले का क्या कॉन्टेंट है, उन सारे कॉन्टेंट को एक एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज़ प्रोज एंड द सेकेंड पार्ट इज पोएम एंड थर्ड इज प्ले। इन्हीं तीन को आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो प्रोज में हमें पहला क्या पढ़ना है, द आइज हैबिट। सेकेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग रूट्स। थर्ड, थैंक यू मैम। एंड द फोर्थ इज थ्री क्वेश्चंस। ये चार ही हमें प्रोज में पढ़ना है, पोएम में भी चार ही पढ़ना है। एंड द फर्स्ट वन इज ऑन क्लिंग अ ट्री, सेकेंड वन इज अस्लीप इन द वैली, एंड द फोर्थ वन थर्ड वन इज शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, एंड द फोर्थ वन इज एंड द लास्ट वन इज द पोएट्री ऑफ अर्थ। ओके, प्ले जो हमें पढ़ना है दैट इज द प्रपोजल। ये प्रपोजल आपको माइंडस्केप के बुक में कहीं ना कहीं आपको लास्ट में मिल जाएगा, जो हमें पढ़ना है। तो ये हो गया प्रोज, पोएम एंड प्ले। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज ग्रामर और राइटिंग स्किल और अनसीन। शो ग्रामर में क्या पढ़ना रहेगा, चेंज ऑफ वॉइस। जो आपने क्लास 11 में जो जो पढ़ रखा है वही सारा है, नरेशन है, डिग्री है, असर्टिव टू इंटरगेटिव, वाइस वर्सा, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, स्प्लिटिंग, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड, टेक्स्टुअल आर्टिकल प्रीपोजिशन, जो टेक्स्ट रिलेट करता है वो आर्टिकल प्रीपोजिशन रहेगा वो, फिर से आपका रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन को एडजेक्टिव में या फिर एडवर्ब में, वर्ब में, इन सारे में चेंज करने को रिप्लेसमेंट्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये सारा हमें पढ़ना है। राइट स्किल में आते हैं, लेटर रहेगा आपको, लेटर में क्या हो सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर बिजनेस। बिजनेस मीन्स द बिजनेस जो करते हैं बिजनेसमैन, उनको कम्युनिकेट करने के लिए दे हैव ऑल्सो टू राइट लेटर्स, दोज लेटर्स आर कॉल्ड बिजनेस लेटर्स। उन सारे लेटर्स को कैसे लिखना है वो यहाँ हमें समझना है। फॉर्मल आपने कर रखा है क्लास 11, 12 में, और क्लास 10 में भी आपने कर रखा होगा फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, बिजनेस लेटर ये नया इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग जो आपने क्लास 10 में कर रखा है उससे कुछ नया यहाँ होगा। प्रेसी जो रहेगा, एक पैसेज रहेगा, उस पैसेज को सॉर्ट आउट करना रहेगा, समअप करना होगा। सपोज करो आपका पैसेज जो है वो 300 वर्ड्स में है, एंड जब आप उसको लिखोगे, प्रेसी करोगे, तो वो उसका 1/3 आ जाएगा, कहने का मतलब 100 वर्ड्स में यू हैव टू राइट आउट। ओके, तो ये हो गया प्रेसी। अनसीन जो रहेगा उसका सोर्स इन सारे में से कुछ भी रह सकता है, नॉवल, स्टोरी और न्यूज़पेपर, कहीं से भी हो सकता है। ये एक बस क्लू दिया गया है कि आपको यहाँ से होने का चांसेस है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और मार्क्स का टैबुलेशन देख लेते हैं कि कहाँ से क्या मार्क्स आएगा। ठीक है, शो हमारा पहला जो पार्ट था दैट इज़ प्रोज, प्रोज से क्या आएगा, 20 मार्क्स आएगा। पोएम से क्या आएगा, 20 मार्क्स आएगा। एंड प्ले से भी हमारा कितना आएगा, 10 मार्क्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ अनसीन, ये अनसीन से भी हमारा 10 मार्क्स आना है। ग्रामर से भी 10 मार्क्स आना है, एंड राइटिंग स्किल कोई 3 दिया हुआ रहेगा, उसमें से कोई एक करना रहेगा और वो एक जो है 10 मार्क्स का रहेगा। ईएसपी मीन्स इंग्लिश फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, मतलब वही राइटिंग स्किल होता है। टोटल आपको जो है वो
80 मार्क्स रहेगा। 80 मार्क्स का जो आपका पेपर रहेगा, रिटन एग्ज़ाम आपको ये देना है, लेकिन टोटल आपको जो मार्क्सशीट आएगा उसमें 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें इंक्लूडेड क्या होगा, प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आपको कहाँ देना होगा, स्कूल में जमा देना होता है, 20 मार्क्स है। ये 20 मार्क्स मिल जाएगा तो 100 मार्क्स का आपका रहेगा, लेकिन हमें पेपर कितने का रहेगा, 80 मार्क्स का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट वाइज। मतलब आप कि पूरे पार्ट को 80 मार्क्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, और उन हर पार्ट को एक एक करके समझेंगे कि उसमें से क्या। पार्ट ए में टोटल 60 मार्क्स रहेगा, पार्ट बी में 20 मार्क्स रहेगा। पार्ट ए में आपका क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, द फर्स्ट वन इज DAQ। पहला क्वेश्चन आपको DAQ मिलेगा, जो आपको 100 वर्ड्स में करना रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन को कहते हैं DAQ, डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, ये कहाँ से हो सकता है, प्रोज से होगा, पोएम से होगा एंड प्ले से होगा, तीनों से आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है। एंड दिस इज़ वेरी वाइटल, ये बहुत वाइटल होता है। अगर आपका टेंस के ऊपर कमांड नहीं है तो आप यहाँ गलती ज़रूर करोगे, तो टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा, जो पहला क्लास होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन टेंस। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा डुएस डायरेक्ट रहेगा। पार्ट ए का दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो ग्रामर का रहेगा। इसके बाद रहेगा एक आपको एंसिंग पैसेज दिया रहेगा, उसमें से आपको करना रहेगा। इसके बाद आपका राइटिंग स्किल रहेगा। ठीक है, ये पार्ट ए से हुआ। पार्ट बी में क्या रहेगा, पार्ट बी से MCQ रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रो से रहेगा, पोएम से एंड प्ले से, इन तीनों से आपको MCQ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं SAQ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, विद इन 20 वर्ड्स यू हैव टू राइट। प्रोज एंड पोएम्स रहेगा, माइंड इट, प्ले से नहीं रहेगा, प्ले से आपका SAQ नहीं रहेगा। ठीक है, अब पार्ट ए को समझते हैं कि पार्ट ए में से आखिर क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आएगा। ये आपका एग्जैक्ट जो पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, उससे रिलेट करके समझाया गया है आपको पेपर में, इसी तरह से टेबलाइज करके रहेगा। तो आपको पेपर में जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो एक DAQ रहेगा, आई मीन टू से दैट लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा, 100 वर्ड्स में जो लिखना रहेगा। और यहाँ चार चैप्टर से एक एक क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे, टू डू मतलब कितना करना रहेगा, कितना मार्क्स वो कैरी करेगा, और टोटल क्या। तो ये जो DAQ रहेगा प्रोज से, वो कितने क्वेश्चन रहेंगे, चार क्वेश्चन रहेंगे। मतलब चार चैप्टर आते हैं, उन चारों में से एक एक क्वेश्चन रहेगा। करना कितना रहेगा, चारों नहीं करना रहेगा, आपको दो करना है, और हर क्वेश्चन, इच क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क्स। ओके, सो 2 × 6 = 12, 12 मार्क्स आपका यहाँ से आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है पोएम, पोएम से भी सेम पैटर्न, जो प्रोज का पैटर्न है वही पोएम का भी पैटर्न है। फिर चार आपने जो पोएम पर रखा है उसी से रिलेट करता हुआ DAQ क्वेश्चन रहेगा, और दो करना रहेगा, मार्क्स रहेगा 6, टोटल आपका हो गया 12 मार्क्स यहाँ से आ गया। जो प्ले रहेगा वो आपका 100 वर्ड्स में आपको राइट करना है। 3 क्वेश्चंस विल बी गिवन एंड यू हैव टू डू 1 क्वेश्चन, और ये कितने मार्क्स के रहेंगे, 6 मार्क्स। दिस क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क्स, सो यू विल गेट 6 मे बी। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो 4 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, दैट इज डुएस डायरेक्टेड रहेगा। डुएस डायरेक्टेड कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे। करना कितना रहेगा, 6, नो ऑप्शन। एंड मार्क्स कितने रहेंगे, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, 1 मार्क्स रहेगा, मतलब यू विल गेट 6 मार्क्स यू इफ यू मेक इट करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है आर्टिकल प्रीपोजिशन, आर्टिकल प्रीपोजिशन जो है वो आपको 6 ब्लैंक्स दिए रहेंगे, 6 ब्लैंक्स रहेगा, और आपको करना 6 रहेगा, और आप हर क्वेश्चन को सही करने से आप हाफ मार्क्स पाओगे। मतलब टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा आप अगर आपने सही किया तो, राइट। नेक्स्ट आएगा टेक्स्टुअल एरर्स, कोई एक लाइन दे दिया रहेगा, उसमें कुछ एरर्स रहेगा, उस एरर्स को फाइंड आउट करना रहेगा, और आपके सामने ऑप्शंस भी रहेंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन कितना रहेगा, एक ही रहेगा, और करना कितना रहेगा, एक ही। तो मार्क्स कितना रहेगा, 1 मार्क्स, तो आपको सही होने से 1 मार्क्स ही मिलेगा। ओके, अनसीन जो रहेगा वो पहला पार्ट रहेगा, उसमें ट्रू फॉल्स का या फिर MCQ रहेगा, एक अनसीन दिया रहेगा। इसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस दिया रहेगा, ट्रू फॉल्स रिलेट करता हुआ, फिर MCQ से रिलेट करता हुआ, चारों करना है, और पर क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, यू विल गेट 4 मार्क्स। अनसीन का पार्ट बी जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे, 30 वर्ड्स में आपको राइट करना होगा, और ये क्वेश्चंस कितना रहेगा, 3 क्वेश्चंस रहेगा, करना कितना होगा, 3 हो,
per question will carry 2 marks, and if you make it correct you will get 6 marks. Okay, next part is, अब यहाँ से writing skill start होता है. Writing skill आप या report करो, letter करो, या फिर प्रेसी करो, और करके यहाँ बताया गया है. तो एक क्वेश्चन दिया रहेगा, करना एक ही रहेगा, 10 मार्क्स कैरी करेगा. अगर आप सही करते हो तो आउट ऑफ 10 यू विल गेट. ओके, लेटर आप कर सकते हो. ये रिपोर्ट आपने अगर नहीं किया तो लेटर कर सकते हो. ये भी लेटर से कोई एक ही क्वेश्चन रहेगा, कोई एक ही करना रहेगा. मतलब इन दोनों में से कोई एक करना है, और एक जो ऑप्शन आएगा इन तीनों में से कोई एक करना रहेगा. तीनों आपको करना नहीं रहेगा. यहाँ से आप प्लस माइनस 10 पा सकते हो. ठीक है, आपको एक करना ही रहेगा, एक तो कोई करना ही है. इसको आप छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो, किट कर सकते हो. एंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा राइटिंग स्किल रेट करता है, दैट इज प्रेसी. इसको 1/3 में लिखना रहेगा. इसका भी एक क्वेश्चन रहेगा. ओके, और यहाँ से भी आप आउट ऑफ 10 यू विल गेट. सो आपको राइटिंग स्किल में ये जो तीन दिख रहा है, रिपोर्ट, लेटर एंड प्रेसी, ये तीनों आपको नहीं करना है. तीनों में से कोई एक करना है. तीन क्वेश्चंस रहेंगे, देखो और करके लिखा गया है, मतलब इन तीनों में से कोई एक करना रहेगा. और आपको यहाँ पर जैसे पैटर्न दिख रहा है ना, प्रोज, पोएम, प्ले, ड्यूएट, डायरेक्ट, अनसीन, इसके बाद ये सारा, तो इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चंस रहेगा. पहला जो क्वेश्चंस रहेगा पार्ट ए का, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा 4, फिर पोएम का 4 क्वेश्चंस रहेगा, फिर प्ले का 3 क्वेश्चंस रहेगा, फिर ग्रामर रहेगा, आर्टिकल प्रिपरेशन एरर्स, फिर अनसीन दिया हुआ रहेगा, फिर ट्रू फॉल्स, फिर ये आपका रहेगा. जो पैटर्न में पेपर आता है उसी पे उसी वाइज में ये सजाया गया है, उसी वे में सजाया गया है. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज़ पार्ट नंबर बी. पार्ट नंबर बी में क्या होगा, आपको उसी तरह से MCQ यहाँ दिया रहेगा. MCQ प्रो से दिया हुआ रहेगा. कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 4 क्वेश्चंस रहेंगे. करना कितना होगा, 4, और पर क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स. तो यहाँ पर आप 4 मार्क्स पा सकते हो अगर आपने सही किया तो. फिर प्रोज से ही SAQ रहेगा. SAQ मतलब सेंटेंस में, फुल सेंटेंस में आपको एक आंसर लिखना पड़ेगा. वहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चंस रहेगा, बट यू डोंट हैव टू डू द टोटल. आउट ऑफ 8 यू हैव टू डू ओनली 4 आपको करना है. 8 में से सिर्फ आपको 4 करना है. यहाँ भी एक मार्क्स करके रहेगा, यू विल गेट 4 मार्क्स इफ यू आर मेकिंग इट राइट. MCQ रहेगा पोएम से. फिर ये जो प्रोज का जो पैटर्न था MCQ लेकर, वही पैटर्न यहाँ पर रहेगा. और यहाँ पर भी आप 4 क्वेश्चंस रहेंगे, चारों करना होगा, एक मार्क्स करके 4 मार्क्स मिल जाएगा. फिर SAQ रहेगा पोएम से, 8 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 4 करना रहेगा, एक मार्क्स करके यहाँ पर आप 4 मार्क्स पा सकते हो. द लास्ट एंड द फाइनल इज MCQ रहेगा प्ले से. सिर्फ MCQ रहेगा, SAQ नहीं रहेगा. आपको यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चन दे रहेंगे, नो ऑप्शन, और इसमें से चारों क्वेश्चन करना रहेगा, एक मार्क्स करके. तो आप 4 मार्क्स यहाँ से पा गए. तो आपने देखा पार्ट बी में टोटल 20 मार्क्स है. 4 4 4 4 4, सो 4 × 5 इक्वल टू 20. तो पार्ट बी में आपको टोटल 20 मार्क्स आएगा. एंड पार्ट ए में आपने देख लिया 80 मार्क्स आएगा किस तरह से. अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, दैट्स ओके. अगर नहीं आया है तो फिर से आप इस पैटर्न को एक बार देख लो कि कैसे कैसे कहाँ से क्या किया जा रहा है, क्या आ रहा है हमारे सिलेबस में. और आप इस सिलेबस को यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट अपडेट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा, बाय बाय.